हाय फ्रेंड्स, मैं संजू। आज मैं आपके लिए मैं शूज बनाकर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो शूज है ये 1 से 2 इयर्स के लिए बेबी के लिए मैं बनाई हूँ। 1 से 2 इयर्स की बेबी बहुत ही अच्छे साइज है, फिटिंग है ये। देखिए ये मैं वाइट और ब्लू कलर में बनाई हूँ। आप अपने पसंद से कलर के कॉम्बिनेशन मिलाकर बना सकती हैं। देखिए बहुत ही इजी डिजाइन है, बहुत ही आसानी से आप बना सकती हैं। मैं हर स्टेप बाय में स्टेप बताऊंगी किस तरह से शूज बनानी है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे छोटी बनाना चाहती हैं तो बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। जैसे कि ये जो मैं चेन बनाई हूँ स्टार्टिंग में, इसी चेन को आप कम कर लेंगे तो आपका साइज जो है बहुत ही छोटी और बड़ी बन सकती है। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं शूज की डिजाइन में बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए किस तरह से बनती है। और फ्रेंड्स, मैं देखिए अलग अलग डिजाइन और कलर में भी मैं शूज बनाई हूँ। देखिए ये मैं शूज 0 मंथ से 3 मंथ की बेबी के लिए बनाई हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर है, छोटी सी बहुत ही क्यूट लग रही है। तो आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं, ऐसी ही वीडियो में बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, आप जाकर देख सकती हैं। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और देखिए सेम कलर और सेम डिजाइन में मैं अलग कलर बनाई हूँ, पर डिजाइन जो है सेम है। ये जो सूट बनाई हूँ ये 6 मंथ से 1 ईयर की बेबी के लिए है। आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं, बहुत ही ईजी डिजाइन है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है, फिटिंग भी बहुत ही सुंदर आई है इसमें से। और देखिए ये मैं सूज बनाई हूँ, इसे बूटी बोल सकती हैं। ये भी मैं 6 मंथ से 1 ईयर की बेबी के लिए बनाई हूँ। तो इसकी भी वीडियो में बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, आप जाकर देख सकती हैं। इसकी साइज भी मैं बड़ी बनाई हूँ। देखिए इसे इसकी साइज जो है बड़ी है। और बहुत सारे सूज की डिजाइन में बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, आप जाकर देख सकती हैं। शायद कोई भी डिजाइन आपको पसंद आएगी तो आप इसे जरूर ट्राई करें। ये सोच के मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए किस तरह से बनती है। इसके लिए मैं देखिए व्हाइट कलर का मैं ऊन ली हूँ और इसको मैं डबल करके मैं बना रही हूँ। देखिए ये जो ऊन है, देखिए ये 2 प्लाई के ऊन है। देखिए तो इसे मैं डबल करके बना रही हूँ। डबल करके इसलिए बना रही हूँ जिससे कि टाइट रहे, जूता अच्छी दिखेगी फिनिशिंग। और देखिए 3 mm की मैं क्रोशिएज कर रही हूँ। तो पहले मैं देखिए इस तरह से मैं गांठ लगा लूंगी, इसके बाद देखिए इस तरह से चेन बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5 देखिए इस तरह से मैं 15 चेन में बना लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं 15 चेन में बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ से मैं फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से यहां तक मैं डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक 12 डबल क्रोशिया में बना ली हूँ, 12 चेन में। इसके बाद देखिए लास्ट जो चेन है इसमें मैं क्रोशिया डालूंगी और इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से
तो यहाँ से मैं यहाँ तक 12 डबल क्रोशिया बना लूँगी। जैसे कि देखिए एक साइड से बनाई हूँ, दूसरी साइड से भी 12 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं यहाँ तक 12 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी लास्ट चैन में और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। देखिए जैसे कि मैं इस साइड में बनाई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूंगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3। और देखिए यहाँ फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से सेकेंड चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ से यहाँ तक 12 डबल क्रोशिया बना लूंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डबल क्रोशिया में बना ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया में बनाई थी, तब 5 चेन है, 5 चेन में टोटल डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1, दोबारा सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, इसी तरह से इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, 2। देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया में, 5 चेन में 5 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लूंगी 2-2 बनाते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखिए 5 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। तो ये 10 डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक मैं 12 डबल क्रोशिया बना लूँगी 12 चेन में और इसके बाद ये 5 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 5 चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से इसके बाद 3 चेन बनाऊँगी, 1, 2, 3। और देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूँगी फर्स्ट चेन में और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। सेकेंड चेन में क्रोशिया डालूँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक 12 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं यहाँ तक 12 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, 2। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, जैसे कि यहाँ से ये पूरी राउंड 10 डबल क्रोशिया में बनाई थी, 2-2 डबल क्रोशिया 5 चेन बनाते हुए। तो ये 10 चेन में इस तरह से बनाऊंगी, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए 10 चेन में पूरी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए 1, 2, 3 चेन में मैं बनाई हूँ, 4। देखिए 10 चेन में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैं 12 चेन में 12 डबल क्रोशिया बनाऊँगी
और सेम जैसे कि इस साइड में बनाई हूँ 10 चेन में, उसी तरह से सेम इस साइड से बनाते हुए यहाँ पे कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी राउंड इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूंगी, वन चेन बना लूंगी। तो देखिए ये नीचे की ये बेस कंप्लीट हो गई है, देखिए इस तरह से बन गई है। अगर आप इसे छोटी बनाना चाहती हैं तो जैसे कि मैं 15 चेन रखी हूँ, आप यहाँ पर 13-12 इस तरह से चेन रख कर बना सकती हैं, तब बस साइज छोटी बन जाएगी। ये मैं 1 से 2 ईयर्स की बेबी के लिए बना रही हूँ। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन बना लूँगी, तो 1 चेन में बना रखी हूँ 2, 3। इसके बाद देखिए क्रोशिए में इस तरह से बैक साइड से मैं क्रोशिए डालूंगी, देखिए यहाँ पर इस तरह से। और डबल क्रोशिए बनाऊंगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए इसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिए में बैक साइड से मैं इस तरह से डबल क्रोशिए बनाऊंगी, देखिए इस तरह से डबल क्रोशिए बनाऊंगी। इसी तरह से ये पूरी राउंड में डबल क्रोशिए बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी यहाँ तक। इस तरह से बैक साइड से क्रोशिए डालूंगी अंदर की ओर से और इस तरह से डबल क्रोशिए बनाऊंगी। तो मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे राउंड डबल क्रोशिए बनाते हुए कंप्लीट कर ले हैं। तो देखिए ये नीचे की बेस ये कंप्लीट हो गई है, अब मैं ऊपर की बेस में बना रही हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिए डालकर स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद 3 चेन बनाऊँगी, 1, 2, 3। और देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में मैं क्रोशिए डालूँगी और डबल क्रोशिए बनाऊँगी। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिए डालूंगी, डबल क्रोशिए बनाऊंगी, देखिए इस तरह से। तो सारे चेन में डबल क्रोशिए बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट कर लूंगी और यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगी सेम इसी तरह से बनाते हुए। देखिए फ्रेंड्स, पूरे राउंड में डबल क्रोशिए बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रोशिए डालूंगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूंगी। इसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू कलर के ऊन ज्वाइन करूँगी, देखिए इसे भी मैं डबल करके बना रही हूँ। इस तरह से गांठ लगा कर इसे मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिए डालूँगी, इस तरह से सिंगल क्रोशिए बना लूँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिए डालूंगी और सिंगल क्रोशिए बनाऊंगी। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिए डालूंगी, सिंगल क्रोशिए बनाऊंगी, देखिए इस तरह से। इस तरह से सारे चेन में सिंगल क्रोशिए बनाते हुए पूरे राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर मैं ज्वाइन। देखिए फ्रेंड्स, ब्लू कलर से सिंगल क्रोशिए बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट कर ली हूँ और उनको मैं देखिए यहाँ पे ज्वाइन करके कट कर ली हूँ। और इसके बाद जैसे कि इसको मैं यहाँ से इस तरह से बराबर करूँगी दोनों साइड से, देखिए इस तरह से। इस तरह से बराबर करने के बाद यहाँ से यहाँ तक पूरी यहाँ तक मैं 20 चेन में रखी हूँ, यहाँ से यहाँ तक 20 चेन में रखी हूँ, जिससे कि आगे की बेस बनेगी। देखिए ये जो है आगे की बेस में बनाऊंगी, तो इसमें फंदे घटेगी, तो यहाँ से यहाँ तक मैं 20 फंदे में घटाऊंगी। देखिए धागे को मैं इस तरह से कर लूंगी और सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिए डालूंगी, 3 चेन बना लूंगी, 1, 2, 3। और देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिए डालूंगी और डबल क्रोशिए बनाऊंगी, तो यहाँ से यहाँ तक मैं डबल क्रोशिए बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक मैं डबल कुर्सी बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए फंदे घटाऊंगी किस तरह से। देखिए ये पिन में लगाई हूँ, यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से वन बार में बनाऊंगी। देखिए इस तरह से क्रोशिया पे टू धागे, इसको इसी तरह से छोड़ दूंगी। फिर देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और वन बार में बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए क्रोशिया पर थ्री धागे दिख रही है तो एक साथ में इसे छोड़ दूंगी। देखिए यहाँ पे टू डबल क्रोशिया मैं घटाई हूँ तो यहाँ पे वन चेन बनी हुई है, इसके ऊपर वन डबल क्रोशिया बनेगी। इस तरह से फंदे घटती है। सेम इसी तरह से मैं देखिए यहाँ पे भी करूंगी। देखिए इस तरह से टू चेन में जैसे कि हाफ डबल क्रोशिया बनाते, सेम उसी तरह से इसका देखिए थ्री धागे दिख रही है, इसको एक साथ में छोड़ दूंगी। इसके बाद देखिए इसके नेक्स्ट चेन में भी सेम उसी तरह से करूंगी। टू चेन में इस तरह से बना लूंगी हाफ डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं उसे। इसके बाद देखिए कुर्सी पर थ्री फंदा दिख रही है, इसको मैं एक साथ इस तरह से छोड़ दूंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से यहाँ तक मैं पूरी कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं फंदे घटा ली हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 20 चेन में रखी थी तो फंदे घटाई हूँ, तो देखिए 10 चेन इसके ऊपर बची हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ से वन डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक मैं पूरी कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं वन डबल क्रोशिया बनाते हुए सारे चेन में कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूंगी। वन चेन बनाकर ये ऊन को मैं कट कर लूंगी। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं पिन लगाई हूँ तो यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी वन डबल क्रोशिया और छोड़कर यहाँ से यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी, यहाँ पे मैं ऊन ज्वाइंट कर लूंगी। देखिए इस तरह से वन डबल क्रोशिया और मैं एक्स्ट्रा इस साइड में ली हूँ। इसके बाद थ्री चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री। और देखिए इसके नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से वन बार में बना लूंगी। इसके नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से मैं देखिए वन बार में इस तरह से निकालूंगी। हाफ डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं सेम उसी तरह से। इसके बाद देखिए क्रोशिया पर थ्री धागे तो एक साथ में इसे छोड़ दूंगी। सेम उसी तरह से इसके नेक्स्ट टू चेन में इस तरह से बना लूंगी। इसके बाद देखिए थ्री धागे एक साथ में छोड़ दूंगी। इस तरह से मैं फंदे घटा रही हूँ। देखिए इस तरह से फंदे घट रही है तो सेम इसी तरह से यहां तक मैं फंदे घटा लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं फंदे में घटा ली हूँ। यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स बार में फंदे घटाई हूँ। जैसे कि 12 चेन थी तो ये सिक्स चेन इसके ऊपर इस तरह से दिख रही है, सिक्स चेन बन गई है। इसके बाद में देखिए यहाँ से भी वापस इस तरह से मैं घुमा लूंगी और यहाँ पर थ्री चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री। और देखिए इस तरह से फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से बनाऊंगी। सेकंड चेन में क्रोशिया डालूंगी, देखिए इस तरह से बनाऊंगी। थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी, इस तरह से बनाऊंगी। देखिए जैसे कि हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं, देखिए इस तरह से यहाँ तक मैं बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी।
देखिए क्रोशे पर 1 2 3 4 5 6 7 धागे हैं, एक साथ में इस तरह से छोड़ दूंगी मैं और इस तरह से 1 चैन बना लूंगी और 1 चैन और मैं बना लूंगी। इसके बाद ये ऊन को मैं कट कर लूंगी। देखिए इस तरह से बन गई है। ये जो पिन लगी हुई है इसको मैं निकाल लूंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी, देखिए इस जगह पे, और ब्लू कलर का ऊन में ज्वाइंट कर लूंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं 3 चेन बना लूंगी, 1 2 3। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट में मैं इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी नेक्स्ट चेन में और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ते हुए यहाँ तक मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया में बना लूंगी। वन टू थ्री फोर फाइव। इसके बाद देखिए बीच में मैं 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पे और इसकी दूसरी साइड से भी मैं 5 डबल क्रोशिया उठा लूंगी। वन टू थ्री फोर फाइव। देखिए इस तरह से। इसके बाद वापस मैं इस साइड से घुमा लूंगी बैक साइड से और 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। और इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। तो ब्लू कलर से मैं पूरी 5 रो बनाकर कंप्लीट कर लूंगी। देखिए ये वाला जो है ये 5 रो में बनाकर पूरी कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैं 5 रो बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ, 1 2 3 4 5 5 रो डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद मैं देखिए ये जो सोज है ये बैक साइड का बेस में बनाऊंगी। ये जो बैक साइड का बेस है ये मैं बनाना स्टार्ट करूंगी। इसके लिए मैं देखिए यहाँ पर मैं क्रोशिया डालूंगी। देखिए ये जो डबल क्रोशिया 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पर मैं इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और ब्लू कलर का ऊन जो है यहाँ पर मैं ज्वाइन कर लूंगी। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लूंगी। इसके बाद 3 चेन बना लूंगी, 1 2 3। इसके बाद देखिए डबल क्रोशिया में यहाँ पर मैं ये जो धागे दिख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट जो है
यहाँ पर मैं क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूंगी। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको जो है पूरी राउंड इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर ली हूँ। जैसे कि मैं इस साइड में बनाई हूँ सेम उसी तरह से दूसरी साइड से बना लूंगी। देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी, इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी देखिए इस तरह से, और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गई है। देखिए इस तरह से आएगी दोनों साइड से। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से घुमा लूंगी। घुमाने के बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी, 1 2। और यहाँ पर मैं देखिए फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये देखिए ये 2 चेन छोड़कर मैं स्पेस छोड़ी हूँ जिसमें कि ये डोरी डालूंगी। जैसे कि ये डोरी मैं डाली हूँ, डोरी डालने के लिए मैं स्पेस में छोड़ी हूँ। बाकी जो है यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाते हुए तक कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं सारे चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ से मैं घुमा लूंगी। जैसे कि मैं एक साइड में स्पेस में यहाँ पर छोड़ी थी 2 चेन छोड़कर, सेम उसी तरह से दूसरी साइड से मैं छोड़ी हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊंगी, 1 2। और देखिए फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सेम इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए इस तरह से स्पेस बन गई है। इसके बाद यहाँ से घुमा लूंगी, 2 चेन बनाऊंगी, 1 2। और देखिए फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से सारे चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक मैं कंप्लीट करके इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह सारे चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी लास्ट चेन में और डबल क्रोशिया बना लूंगी। 1 चेन बनाकर ये ऊन को मैं कट कर लूंगी। ये जो धागा दिख रही है इसको अंदर करके इस तरह से फिनिशिंग कर लूंगी। ऊन हमेशा थोड़ी सी लंबी करके कट करें क्योंकि ऊन का गांठ जो है बहुत ही जल्दी खुल जाती है। देखिए इस तरह से फिनिशिंग हो गई है। देखिए धागे नहीं दिख रही है। इसके बाद मैं डोरी बनाकर इसमें मैं लगा लूंगी। तो देखिए ये मैं डोरी बना के रखी हूँ। आप चाहे तो चेन बनाकर भी डोरी बना सकती हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ से मैं इस तरह से डालूंगी अंदर की ओर से दोनों साइड से।
इसके बाद ये वाला धागा यहाँ पे मैं डालूंगी डोरी, और ये दूसरी साइड। इसके बाद देखिए ये वाला जो है इस साइड में डालूंगी, और ये इस साइड, जैसे कि जूते में लेस लगाते हैं सेम उसी तरह से। देखिए इस तरह से बन गई है। उसको आप जितना टाइट करना चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकती हैं। तो ये जूता पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स इसे आप जरूर ट्राई करें बनाए। अगर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए या फिर मेरी फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।